आगे बढ़ते हैं सर की बड़ी खबर। आपको बता दें केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ से ये पूरा मामला इस वक्त ही आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से। देखिए के कविता की ईडी के दफ्तर में फिर से पेशी और ऐसे में कविता को ईडी ने सुबह 11 बजे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के दफ्तर पहुंचने से पहले कविता सुबह 10 बजे अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले 11 मार्च को भी ईडी ने कविता से करीब 9 घंटे तक सवाल जवाब किए थे। कविता के सीए बुची बाबू से ईडी ने कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे एक बार फिर से ईडी दफ्तर में के कविता को पेश होना है और एक बार फिर से तमाम सवालों के जवाब के कविता को देने होंगे। दिल्ली शराब घोटाले पर यह पूछताछ होगी और सुबह 10 बजे कविता घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। 11 मार्च को भी ईडी ने 9 घंटे तक सवाल जवाब किए थे और एक बार फिर से देखिए किस तरीके से सवालों की लंबी फहरिस्त के कविता के लिए तैयार है। आज सुबह 11 बजे कविता को पेश होना, लेकिन उससे पहले वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और ऐसे में क्या वो कहती हैं, क्या उनकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखा जाएगा, ये भी सुनना काफी अहम होगा। तो पहले 9 घंटे की पूछताछ, अब एक बार फिर से के कविता से तमाम सवाल जवाब होंगे क्योंकि लगातार ऐसे सवाल हैं ईडी का कहना जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और क्या ये पूरा मामला है हम आपको बताते हैं। देखिए आपको 100 करोड़ रिश्वत दिए गए थे, ये ईडी की तरफ से दावा किया गया है। दिल्ली के बाजार में हिस्सेदारी पाना मकसद था, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब ईडी चाहती है। फरवरी में कविता का सीए यानी कि बुची बाबू गिरफ्तार किया गया था। बुची बाबू कविता का अकाउंट संभालता था, पैसे का लेन देन पूरा वही देखते थे और ऐसे में अब के कविता की बारी है। सात ग्रुप के शराब कंट्रोल से ये पूरा कनेक्शन है, फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। जो दावे किए गए हैं ईडी की तरफ से वो बड़े दावे हम आपको बता रहे हैं।